हेलो एवरीवन, ऑल इन डिलीशियस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जल्दी से बना लेते हैं बेसन की बर्फी। झटपट से बन जाती है और कोई भी फेस्टिवल हो, ओकेज़न हो, या हमें कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो इसे झट से बना लीजिए और हम बनाएंगे बिल्कुल इजी मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक कटोरी का माप ले लेना है, उसी से हमें लेना है 2 कटोरी बेसन। यानी कि ये जो घी और शुगर वाली जो मैंने कटोरी ली है ना, उन 2 कटोरी के बराबर हमें ले लेना बेसन, 1 कटोरी लेना है घी और 1 कटोरी लेना है हमें चीनी। ये इसका मेजरमेंट है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में घी को हल्का सा गर्म होने देते हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, जो 2 कटोरी बेसन हमने लिया था उसको ऐड कर देते हैं। और बेसन की बर्फी बनाने में बस मेन जो काम होता है ना, बेसन को चलाते ही रहना है फर्स्ट से लेके लास्ट तक। यानी कि हमें इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना है और इसी तरह से हमें चलाते हुए इसको भूनना है बिल्कुल धीमी आंच पर। लो फ्लेम पर ही हमें इसको भूनना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर अगर हम इसको कर देते हैं ना तो बेसन भुनता नहीं है, जल जाता है और स्मेल करने लगता है, उसकी जो भीनी भीनी खुशबू होती है ना वो नहीं आती है। इसी तरह से हमें बेसन को भूनना, जितना हम बेसन को भूनते जाएंगे ना उतना ही ये सॉफ्ट होता जाएगा, यानी कि ढीला होता जाएगा, पतला होता जाएगा। और जैसे जैसे ये भूनता जाएगा ना तो इसमें देखिए ये बबल्स आने स्टार्ट हो गए और खुशबू भी अच्छी आने लगी है। तो यही है कि हमारा बेसन अभी लगभग भुन चुका है और हमें इसको 2 मिनट के लिए भूनना है। देखिए काफ़ी झाग सा ऊपर उठने लगा है, यही कंसिस्टेंसी है कि हमारा जो बेसन है वो भुनने लगा है। इसको भुनने में कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं। अब मैंने ना इस कढ़ाई को फ्लेम से नीचे उतार लिया है और अभी भी हमें इसको चलाते हुए रहना है क्योंकि कढ़ाई गर्म है, वो बेसन नीचे जल जाएगा। तो अभी हमें बेसन को थोड़ा सा ठंडा होने देना है, तब तक हम चीनी की चाशनी बना लेते हैं। 1 कटोरी हमने चीनी ली थी, बस 1 कटोरी हमें इसमें पानी ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है। और हमें चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है। 1 तार की चाशनी हमें सेट करनी है, वो भी हल्का सा 1 तार आए बस। और इसी तरह से हमें अपने ना चाशनी को बना लेना है। अगर आप चाशनी में वो चीनी का जो मैल होता है ना, अगर वो आता है तो इसमें 2-3 ड्रॉप दूध के डाल दें तो वो मैल हट जाएगा। अभी यहाँ हमने ना 2 कुटी हुई इलायची ले ली हैं, इनको ज़्यादा पीस के हमने नहीं डाला, बस थोड़ा सा हल्का सा फ्लेवर चाहिए इसका बर्फी के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और चाशनी भी हमारी देखिए रेडी है, 1 तार की चाशनी बन चुकी है, हल्का सा तार आ रहा है। यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें बर्फी बनाने के लिए। तो इसको हम इसी तरह से पकने देते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। बस परफेक्ट, हमारी चाशनी बन के रेडी है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा केवड़ा ऐड कर सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बर्फी के अंदर अच्छा आता है। इलायची हमने जो ली थी ना उनको हम बाहर निकाल देते हैं क्योंकि हमें कोई इलायची का पीस या वो नहीं चाहिए बर्फी के अंदर। मैंने यहाँ पाउडर भी ऐड नहीं किया है। देखिए बेसन काफ़ी ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना रह गया है। और इसी में हम अब ऐड कर देंगे गर्मा गर्म चाशनी को। अब हमें मेन काम करना है इसे चलाने का, हमें काफ़ी अच्छी तरह से इसको चलाते रहना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाए। ये देखिए गाढ़ा हो चुका है, अब इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें करना भी नहीं है, नहीं तो ये कढ़ाई के अंदर ही जमने लगेगा। अभी हमने ना हाथ पे लेके चेक कर लेना है, ये देखिए हाथ पे लेके चेक किया तो हल्का सा बॉल बन गया है ना इसका, तो हमारी मतलब जो बर्फी है ना एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगी। अब हम बिना कुछ देरी करे इसको ट्रे में डाल देते हैं। यहाँ ट्रे में मैंने घी लगा लिया था पहले से ही, इसमें हम इसको बैटर को डाल देते हैं पूरा, क्योंकि ज़्यादा देर अगर कढ़ाई में रखते हैं ना तो वो कढ़ाई के अंदर ही जम जाती है हमारी बर्फी। अब इसको हमें ना सेट करने रखना है, अच्छी तरह से फैला लेते हैं और थोड़ा सा हम ना इसको टैप कर लेंगे ताकि
सारा जो बैटर है बेसन का वो एक जैसा सेट हो जाए। थोड़ा सा हम इसको डेकोरेशन भी कर लेते हैं। इस पे हम लगा देंगे थोड़े से पिस्ता, थोड़ी सी पिस्ते की कतरन लगा दो, या आप चाहें तो इस पे जो मगज आती है ना खरबूजे के बीज वो लगा दो, या काजू लगा दो, जैसा आपको पसंद हो, या किशमिश भी डाल सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें नहीं लगाएंगे ना तब भी हमारी बेसन की बर्फ़ी एकदम से परफेक्ट बनेगी। और मोहन थाल और बेसन की बर्फ़ी में यही अंतर है कि जब हम मोहन थाल बनाते हैं ना तो उसमें हम दानेदार, हमें मतलब बेसन चाहिए, उसमें मोटा बेसन यूज़ करते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी भी दानेदार आनी चाहिए। अभी ये बर्फ़ी को हम सेट होने के लिए रख देते हैं कम से कम आधा घंटे के लिए। ये देखिए बर्फ़ी हमारी एकदम से परफेक्ट सेट हो चुकी है। अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा साइड से इसको अलग कर लेते हैं ट्रे से ताकि बर्फ़ी आसानी से निकल जाए। अभी हमको जैसे पीसेस में काटना है ना उसी तरह से इसको काट लें। और बर्फ़ी बनाते बस दो चीज़ों का ध्यान रखें कि हमें चाशनी को परफेक्टली एक तार की ही बनाना है, इससे ज़्यादा बनेगी तो वो बर्फ़ी नहीं कुछ और ही बन के तैयार हो जाएगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। और बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से भूनना है। आप चाहें तो इसमें ना एक पिंच हल्दी का भी डाल सकते हैं, अगर थोड़ा सा और कलर आपको येलो कलर चाहिए बर्फ़ी का तो, उससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बट थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। एक दो पिंच ही हल्दी डालें, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा डाल दी तो उसका टेस्ट भी आने लगेगा बर्फ़ी के अंदर। ये देखिए कितने अच्छे पीसेस निकल के आए। फर्स्ट पीस वैसे किसी बर्फ़ी का निकाले ना तो अच्छा नहीं निकलता, बट इसमें अच्छा निकला है। इस तरह से हमने ना सारे पीस को कट कर लेना है। बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनी है, आप इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसानी सी रेसिपी है ये, तो आसानी से बनने वाली है। जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे या कोई मेहमान घर पर आ रहा हो तो इससे झटपट से बना लें, मिनटों में तैयार हो जाती है और टेस्ट भी लाजवाब रहता है और बिना किसी मावा के और उसके लिए बन के एकदम से परफेक्ट रेडी हो जाती है। बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनी है, सॉफ्ट एकदम से बनी है, तो आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें, बर्फ़ी का लुत्फ़ उठाएं। ये देखिए एकदम से सॉफ्ट बर्फी बन के तैयार हुई है, तो आप इसको घर पे ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं। ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।